हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत मस्ती करने वाले हैं क्योंकि हम करने वाले हैं साइंस एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम बनाने वाले हैं लोबोलैम। उसके लिए हमें चाहिए ऑयल, वाटर, 3 फूड कलर, 1 ड्रॉपर, 1 गिलास। सबसे पहले हमें 1/2 गिलास फूड ऑयल इस गिलास में डालना है। अब हमने इसमें डाल दिया है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा वाटर। हमें वाटर जो है कम डालना है और ऑयल जो है वो ज्यादा डालना है। ऑयल जो होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ रहता है और वाटर नीचे की तरफ चला जाता है। अब हमें इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ेगा ताकि पानी नीचे हो जाए और ऑयल ऊपर हो जाए। तो फ्रेंड्स, सारा वाटर नीचे हो चुका है और ऑयल ऊपर हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे फूड कलर्स। आप अपनी चॉइस का फूड कलर ले सकते हो। देखो ये कलर नीचे जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे फिश टैबलेट। वाओ, ये काम कर रहा है। वाओ, ये लावा लैंप कितना अच्छा है। अगर हम इसके नीचे लाइट रख दें तो ये और ब्यूटीफुल हो जाएगा, ये ग्लो करेंगी अंदर से। वाओ, इट्स लुकिंग सो नाइस। सारे छोटे छोटे कलर्स के बबल्स ऊपर आ रहे हैं और फिर नीचे भी जा रहे हैं, फिर ऊपर आ रहे हैं, फिर नीचे जा रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है, ये तो फायर जैसा लग रहा है, फायर जैसा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि माउंटेन से कोई लावा निकल रहा हो। वाओ, आई लव दिस एक्सपेरिमेंट। देखा ये एक्सपेरिमेंट कितना ब्यूटीफुल बना था, मेरा सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट था ये। आई लव दिस एक्सपेरिमेंट। आप ट्राई करना चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। सिंपल है, पहले ऑयल डालना है, फिर वाटर डालना है, फिर फूड कलर, फिर अंदर फिश टैबलेट्स, फिर वो निकलने लग जाएगा। और आप ऐसे भी उसे इंटरेस्टिंग बना सकते हो उसमें लाइट मार के, जैसे मैंने किया था। Now let's move on to next experiment. Now let's move on to next experiment, friends. उसके लिए हमें चाहिए एक एंटी ग्लास, हनी एंड सम वाटर एंड फूड ऑयल आल्सो। सबसे पहले हम हनी डालेंगे गिलास के सबसे नीचे वाले लेवल पर। ग्लास के नीचे के लेवल में हनी डाल दी है, तो अब हम इस वाटर में डालेंगे फूड कलर। अब हमें ये वाटर इसके अंदर डालना है। और देखो ये हनी और वाटर मिक्स नहीं हुआ आपस में, हनी नीचे है और वाटर ऊपर है क्योंकि हनी की डेंसिटी ज्यादा है। अब हम इसमें फिर से डालेंगे ऑयल। अब हम डाल रहे हैं फूड ऑयल। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऑयल ऊपर रहता है और वाटर नीचे रहता है, तो वाटर नीचे चला गया है और ऑयल ऊपर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये लिक्विड के 3 लेयर्स बन गई हैं, नीचे हनी, ऊपर वाटर, फिर सबसे टॉप पे ऑयल। तीनों लिक्विड की अलग अलग डेंसिटी है इसलिए वो आपस में मिक्स नहीं हो रहे। अगर इक्वल होती है ये सारे मिक्स हो जाते और ऐसी लेयर्स नहीं आती। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे लावा लैंप बनाने की ट्राई करते हैं। ये रही फिश टैबलेट, चलो अब इसमें डालते हैं।
ये तो बन गया। वाओ, वाओ। और देखो अभी भी इसकी तीन लेयर बनी हुई है, हनी नीचे रेड ऊपर, पर ऑयल रेड कलर का हो गया। उसके अंदर लावा मिक्स हो गया, वो लावा बन गया वो। वाओ। होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना और बेल आइकन जरूर दबा।